वैसे तो हर रिश्ते की अपनी एक अलग अहमियत है, लेकिन माँ बच्चों का रिश्ता दुनिया में सबसे अलग और अनमोल है। धरती पर माँ को ही भगवान का रूप कहा गया है। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले जो हमारे दिमाग में कभी ना खत्म होने वाला प्यार और सपोर्ट याद आता है। आज विश्व मदर्स डे पर हम बात कर रहे हैं ऐसी महिला पुलिस अधिकारियों की जो कोरोना काल में अपने बच्चों से दूर रहकर इंदौर में बच्चों की रक्षा के लिए चिलचिलाती धूप में अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। मदर्स डे पर महिला पुलिस अधिकारियों की इंदौरी बच्चों को सीख। अपने बच्चों से दूर रहकर शहर के नौनिहालों की रक्षा में जुटी पुलिस। कानून तोड़ने वाले को डांट के साथ माँ की तरह समझा रही पुलिस। सामाजिक दायित्व के साथ कर्तव्य निष्ठा से निभा रही अपना फर्ज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के एरोड्रम थाने पर पदस्थ उन महिला पुलिस अधिकारियों की जो कोरोना काल में अपना घर और अपने बच्चों से दूर रहकर न सिर्फ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही हैं, बल्कि सड़क पर घूम रहे नौनिहालों को अपने बच्चे समझकर उन्हें घर में रहने की सीख भी दे रही हैं। संकट की घड़ी में महिला पुलिस को अपने घर और बच्चों से दूर रहने का मलाल जरूर है, लेकिन वीडियो कॉलिंग से अपने बच्चों से बात कर उसे दूर करने का प्रयास कर रही है। मदर्स डे के अवसर पर महिला पुलिस अधिकारियों ने इंदौर शहर की तमाम माताओं से अपील की कि वह भी अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर ना निकलने दें। मदर्स डे को लेकर यही है कि मदर्स डे मैं तो नहीं रखता था, मतलब इसको स्टैप करो, वो तो हमारे हर दिन ही मदर्स डे होता है एक तरीके से हर बच्चे के लिए। ये स्पेशली ये है कि उस दिन बच्चों को बच्चे भी ऐसा वो अपनी माँ को विशेष देते हैं, माँ भी, लेकिन मेरे लिए तो 365 दिन ही मदर्स डे रहता है क्योंकि मेरा भी एक छोटा बालक है। मैडम अभी अभी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मदर्स डे पर कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को जितना भी हो सके घर के अंदर रखें। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल बीच में उनका स्कूलिंग रुक गई है, तो जो पढ़ाई है वो घर पे ही एंटरटेनिंग तरीके से करवाएं बच्चों को। और शायद जो मदर्स वर्किंग वूमेन थी वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, तो वो अपने बच्चों को भरपूर समय दें, उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार रखें, दोस्ती जैसा व्यवहार करें, उसके साथ में उनको पढ़ाई और एंटरटेनमेंट करें। और ये समय मेरे हिसाब से है तो विपत्ति का समय, लेकिन मदर्स और बच्चों के लिए बहुत अच्छा वो हो सकता है कि अपने बच्चों को उतना टाइम दें और उन बच्चों को समझें, बच्चे उनके साथ रहें। और जो शायद भविष्य के उसको देख के मैंने देखा है कि वर्किंग वूमेंस के लिए बच्चों के साथ और मदर्स जो बीच का एक रिश्ता होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है कहीं से। मैं पहले भी बच्चे को उतना ही टाइम दे पा रही थी कि मेरे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 से 12 घंटे भी हो जाते हैं। कभी मैं जाती हूँ, कई बार हमेशा ही ऐसा होता था कि सुबह कई बार बच्चे को सोता हुआ छोड़ के आती थी और नाइट में मुझे वो सोते हुए मिलता था। भगवान करे तो अभी मेरा बच्चा, अभी भी मैं 21 मार्च से बच्चे से अलग हूँ, अपने बच्चा मेरा अलग ले रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ मेरा वीडियो कॉलिंग से बात हो जाती है, वो सुरक्षित है, इस वजह से मैं खुश हूँ। और मेरी बच्चे से आज भी मेरी बात हुई थी और वो हमेशा मेरे को एक ही चीज़ बोलता है कि मम्मा घर से निकलना तो अच्छे से निकलना, अपने आप अच्छे से रखना। हर रोज़ जब मेरी बात होती, मेरा बेटा 3 साल का, लेकिन वो मेरी तबीयत के बारे में रोज़ पूछता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं सभी लोग, जो जिनके पास पास वगैरह है उनको जाने दे रहे हैं, और जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे फालतू घूम रहे हैं, और सजा कि उन जो भी ऐसे इस टाइप से आते हैं फालतू घूम रहे हैं जो
बिना वजह से उन लोगों को पनिश करते हैं, उसी दंड बैठक लगवा देते हैं। मैं अपने घर में अकेली रह रही हूँ, होम क्वारंटाइन हूँ, और घर में बच्चे से अलग हैं, मैं अकेले अलग रह रही हूँ। जाती हूँ पहले जाके स्नान करती हूँ, फिर बाहर बाहर कमरे रख के फिर अंदर दूसरे बाहर चेंज करके फिर घर में जाती हूँ, और अपना आपको प्रिपरेशन करके रखती हूँ, कवर करके रखती हूँ, मास्क लगा के रखती हूँ। इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी माता बहनों से यही मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक अपने घर में रहें और अपने बच्चों को भी घर में रखें। ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है महामारी, इससे सभी को बचाएं, अपने परिवार को माता बहनें बचाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि बाहर नहीं निकलना है। यही है कि जितना अच्छा से माँ बच्चों को समझती है उतना कोई नहीं समझ सकता। तो माँ जितना अच्छे से बच्चों को गाइड करेगी कि बाहर नहीं निकले, क्योंकि महामारी का रूप ले चुका है कोरोना, इसमें बाहर निकलेंगे तो बहुत भयंकर बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए बच्चे को घर में ही माँ ही समझाई दे सकती है जितना, उतना कोई नहीं समझ। गौरतलब है कि भारत में मई महीने के दूसरे संडे को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जहां बच्चे अपनी मां को खुश करने के लिए उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उनके बताए मार्ग पर वह चल सके। हालांकि इस बार लॉकडाउन होने के कारण मां के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल गया है। संकट काल में देश के सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए तैनात इन महिला पुलिस अधिकारियों को खबर मध्य प्रदेश की टीम नमन करती है कि आप हैं वरना हम कुछ भी नहीं। जो रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।